अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली स्लाइड में आपने डेफिनेशंस देखी हमारी, आफ्टर डेफिनेशन मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि ग्राफ क्या है, उसको हम ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। ग्राफ जो है, हमारे पास एक पेपर पे ग्राफ ड्रॉ हुआ होता है, उस पर हमें उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ग्राफ के सेंटर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो राइट हैंड साइड है हमारा, उस पे हम लिखेंगे प्लस एक्स एंड देन माइनस एक्स। जो हमारी राइट साइड वाली होती है वो प्लस एक्स एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस एक्स एक्सिस कहलाता है। उसके बाद हमारी जो ऊपर वाली साइड होती है वर्टिकल वाली, उसको प्लस वाई वाई एक्सिस कहलाएगी, वो हमारी वो प्लस में होगी, और जो नीचे वाली साइड होगी वो माइनस में होगी, माइनस वाई एक्सिस। सबसे पहले हमारे पास आ गया ये वाला पोर्शन हमारा। जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ग्राफ का, उसमें एक्स की वैल्यू भी प्लस होगी और वाई की वैल्यू भी प्लस होगी। जिस पोर्शन में हमारे पास एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू प्लस होगी, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसमें हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ये चीज जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे, उसके लिए हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं वो कौन से खाने में आएंगी, और जो वाई की वैल्यूज हैं वो कौन से में आएंगी। तो इसलिए हमें ये पता होना लाजमी है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ये देखें, ये आपके पास है, जैसे कि ये वाई एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है और वाई की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। तो हम जब इसमें लिखेंगे माइनस एक्स और वाई, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और वाई हो गया पॉजिटिव। जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे, ड्रॉ कर रहे होंगे, या उसके पॉइंट लगा रहे होंगे, उसमें हमें अगर पता होगा कि एक्स की नेगेटिव वाली साइड किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगी, जब भी हम कर सकते हैं, वरना हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। अदरवाइज ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज कहाँ आएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट। जो हमारे पास यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होता है, उसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस में होती है और वाई की वैल्यू भी माइनस होती है। तो हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। नंबर टू है हमारे पास, मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। हमें इसमें क्वाड्रेंट मेंशन करना है कि ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन पे लाइज करेगा। ओके, ये मैं जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वाले जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था, उसी तरह इसमें वो ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना आता होगा तो ये क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। यहां पे हमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब ये देखिए, आपको हमारा जो पहला वाला जो होता है वो एक्स कहलाता है, और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो वाई कहलाता है। फर्स्ट एक्स कहलाएगा, दूसरा वाई। एक्स जो है हमारे पास पॉजिटिव है, वाई हमारे पास नेगेटिव है। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ। जब हम अपने ग्राफ को देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ओके, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, वाई की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। अब हम इसमें से देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव है, तो इसका पॉइंट कहां पे लाइज करेगा। तो हम यहां पे लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट।
जब आप पेपर्स भी जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे आपके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में लाजमी आएंगे। ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट ही नहीं होंगे, ये वाले क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में होंगे, क्योंकि अगर आपको ये सॉल्व करना आएगा ग्राफ, तो आप एमसीक्यूज इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन लाजमी आते हैं बोर्ड में आपके मैथ्स के पेपर में। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे अपने। बी की वैल्यू हमारे पास -3.3। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। अब हम अपने ग्राफ पे जाएंगे और देखें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन वन की साइड। 7.1 में जो हमारा क्वेश्चन वन है, उसमें हमें ये डिफाइन करना है कि डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, जिस तरह हमें सॉल्यूशन सेट में एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई होती है, उसमें हमें बताना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ए की जो भी वैल्यू होती है, जैसे हमारे पास ए एंड बी इस तरह दिया हुआ होता है ब्रैकेट में, तो ए क्या होता है इसमें? ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है एब्सिसा, एंड बी जो है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ए क्या होता है? एक्स के बराबर है हमारा, और बी है हमारा वाई के बराबर। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, उसमें हमारे पास दिया हुआ है ए -2.2। जो हमारी पहली वाली वैल्यू है वो ए कहलाएगी, जो दूसरी वाली वैल्यू है वो बी कहलाएगी। ए हमारे पास यहाँ किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, ए एक्स। तो हम -2 हमारा क्या है? एक्स। और जो पॉजिटिव 2 है, +2 है, वो हमारे पास क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं। तो इधर हमारे पास -2 जो है वो क्या है? एब्सिसा। एंड जो हमारे पास पॉजिटिव 2 +2 है, वो हमारे पास है ऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर वन में हमें बस इस चीज को रिकग्नाइज करना है कि हमारे पास एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे पास एक्स के बराबर होगी, जो बी की वैल्यू होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होती है। तो ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, बी जो है वाई कोऑर्डिनेट, और इनको हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो जहां जहां पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू बी होगी, हमारे पास एब्सिसा हो जाएगी, ये हमारे पास ऑर्डिनेट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 5.-1। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्या है? 5 हमारे पास है एब्सिसा, क्योंकि ये ए की वैल्यू है। ए बराबर होता है एक्स के, और एक्स बराबर है एक्स को क्या कहेंगे हम? एब्सिसा। बी जो है हमारे पास -1 है, यानी वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? ऑर्डिनेट कहते हैं। तो -1 को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें दिया हुआ है 4.0। दोनों यहां पे आप देख सकते हैं, दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। जब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसमें हम x और y दोनों वही होंगे, जो इसमें हमारे नाम चेंज नहीं।